Hello, dear students. Assalamualaikum. So today I am here with you with a new topic: drinks, मशरूबात, पीने वाले मशरूबात के मुख्तलिफ अकसाम के नामों की जानने की कोशिश करते हैं. सो लेट स्टार्ट. जूस, उर्दू में भी जूस कहते हैं. कोई भी जूस एक जनरल नाम है, फिर उसकी स्पेशलिटी आती है कोई भी चीज़ आगे या उसके साथ लगा के. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एप्पल जूस, सेब का जूस, कोई भी अगर फ्रूट का जूस निकाला जाए तो उसका नाम आगे लेकर जा सकता है. एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, माल्टे का जूस, ग्रेविया जूस, फालसे का जूस, शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, टमाटर से निकाला जा सकता है, कैरेट जूस, गाजर का जूस, गाजर को ब्लेंडर में डाल के मशीन से उससे का जूस निकाला जा सकता है. स्मूथी, ताजा जूस, ये एक जूस होता है जो फ्रेश होता है और इसमें फ्रेश फ्रूट डाला जा सकता है और आइसक्रीम भी मिला होता है उसके साथ, या दही या मिल्क, दूध, कोई भी चीज इसके साथ अगर मिक्स किया जाए तो इसको स्मूथी कहते हैं. स्मूथी, ताजा जूस. मैंगो शेक, आम का शेक, इसके साथ भी दूध मिलाया जाता है और ब्लेंड किया जा सकता है आम को. वाटर, पानी, मिनरल वाटर, साफ पानी. मिनरल कहते हैं मादनियात को, मिनरल्स, मादनी पानी, यानी जो उसको साफ किया जा सकता है मादनियात से, बट इससे मुराद होता है साफ पानी. कोकोनट वाटर, नारियल का पानी. आलमंड वाटर, बादाम का पानी. ड्रिंक कैन, मशरूब, डब्बा, कैन जो होता है, डब्बे के अंदर जो जूस पैक होता है, कैन, ड्रिंक कैन. कॉकटेल्स, फलों का मशरूब. कॉकटेल जो होता है स्पेशली इसके साथ यूजुअली मिक्स किया जाता है, स्पिरिट्स मिक्स्ड होता है किसी भी फ्रूट जूस के साथ या अदर कोई अल्कोहल टाइप का, जो शराब टाइप का होता है उसको मिक्स किया जा सकता है, अ लिटल, थोड़ी सी मकदार में, और उसका टेस्ट चेंज किया होता है. सो फ्रेश फ्रूट के साथ इसको मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं पलों का मशरूब, कॉकटेल्स, बट ये एक इंग्लिश नाम है स्पेशली कॉकटेल्स. सोडा, सोडा, सोडा वाटर, हार्ड सोडा, सख्त सोडा जो जो प्योर इसमें होता है, सख्त सोडा. लेमोनेड, स्कंजबीन या लेमू का शरबत, लेमन के जूस निकाल के बनाया जाता है. फ्लमरी, फालूदा. मिल्क, दूध, मिल्क शेक, दूध का शेक या मिल्क शेक भी कह सकते हैं इसको. चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट दूध, दूध और चॉकलेट को अगर उबाल के उसको मिक्स किया जा सकता है दूध के साथ तो इसको चॉकलेट मिल्क कहते हैं. रूह अफजा, रूह अफजा, रूह अफजा ही कहते हैं. सिर्फ शरबत, कोई भी शरबत. रबड़ी दूध, रबड़ी दूध, ये भी मिक्सचर होता है दूध और डिफरेंट कुछ अज्जा का, फ्रूट्स
फ्रूट जला जा सकते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट है उसको ऊपर डालते हैं। बियर हल्की शराब, इसमें कुछ परसेंटेज होती है शराब की, बियर में हल्की शराब इसको कहते हैं। बटर मिल्क छाछ, वे लस्सी, पेप्सी या कोक, उसको भी पेप्सी या और कोक इसी ही नाम से पुकारा जाता है उर्दू, क्योंकि इसके कोई स्पेशल उर्दू नाम नहीं है। योगर्ट दही, वाइन शराब, विनेगर सिरका, सिरका भी इस तरह एप्पल विनेगर, कोई भी फ्रूट अगर इस चीज से निकाला जाए, या ग्रेप्स विनेगर, अंगूर का सरका, सेब का सरका, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिस तरह जूस में होता है, बट विनेगर कहते हैं सरका, कोई भी सरका। जब स्पेशल किया है तो उसका नाम लिखा है एप्पल विनेगर, ग्रेप्स विनेगर, इसी तरह राइस विनेगर। हॉट चॉकलेट, गरम चॉकलेट, चॉकलेट को उबाला जाता है और गरम करके बिल्कुल पानी की तरह इसको लिक्विड बनाया है और इसको पीते हैं, सो दैट्स कॉल्ड हॉट चॉकलेट। डिकॉक्शन, ये एक्सट्रैक्शन होता है खाड़ा, जोशानदा, कोई भी जोशानदा अगर वाटर में किसी चीज को डाला जाए और उसको उबाला जाए और उससे उसका टेस्ट मिक्स हो जाए पानी में, सो दैट्स कॉल्ड जुशानदा, खाड़ा, डिकॉक्शन। सूप यखनी, चिकन सूप, मुर्गी यखनी या कोई भी जो सूप होता है। ब्लैक टी चाय, या इसको दूध वाली चाय भी कहते हैं, दूध वाली चाय। लेमन टी, लेमो की चाय। ग्रीन टी, सबस चाय। आइस्ड टी, बर्फ वाली चाय, ये बिल्कुल ठंडी होती है, होती चाय है बट वो फ्रीज किया जाता है फ्रीजर में, या उसमें आइस बर्फ डालता है, डाला जाता है उसमें, सो दैट्स कॉल्ड आइस टी। टी लीव्स, चाय की पत्ती, जो पत्ती होती है जिससे चाय बनता है, दैट्स कॉल्ड टी लीव्स, चाय की पत्ती। कॉफी, कॉफी को उर्दू में भी कॉफी कहते हैं। एस्प्रेसो कॉफी, तेज कॉफी, ये बहुत तेज होती है, जुबाब से जोश देकर और कॉफी के दानों के सफ़ू से तैयार की जाती है, और ये बहुत तेज होती है और थोड़ी सी पी जा सकती है क्योंकि बहुत स्पीड तेज होती है ये। ओलोंग कॉफी, ओलोंग की टी भी होती है, ये गहरे रंग की चाय की एक किस्म है और मोस्टली ये चाइना में इस यूज होता है, उलोंग टी और उलोंग कॉफी। लाटे कॉफी, लाटे कॉफी, ये भी कॉफी की एक किस्म है, बेवरेज दैट इज मेड फ्रॉम एस्प्रेसो, एस्प्रेसो ही से बनता है बट उस जो एस्प्रेसो होता है उसमें दूध नहीं होता है, और जो लाटे होते हैं इसमें मिक्स्ड विथ हॉट एंड फ्रोथ स्टीम्ड मिल्क, फ्रूट का मतलब होता है पटना, जो पट जाता है, जिससे जाग बन जाता है, स्टीम मींस उबले हुए, जब दूध को उबाल के उसको पटाया जाता है और इसको फिर कॉफी एस्प्रेसो के साथ मिलाया जाता है तो उस पर जाग बन जाता है, सो दैट्स कॉल्ड लाटे कॉफी। कैपुचिनो कॉफी, ये भी एक एस्प्रेसो ही से बनता है, हॉट ड्रिंक मेड फ्रॉम कॉफी मिक्स विथ स्टीम्ड मिल्क, इसके साथ सिर्फ उबला हुआ दूध मिल जाता है एस्प्रेसो के साथ।
फोरो नहीं होती है, पटते नहीं है, बल्कि सिंपल दूध जो होता है, स्टीम मिल्क। सो इट्स अ टाइप ऑफ कॉफी, कैपेचिनो कॉफी। मिक्स ड्रिंक, मुख्तलिफ पीने वाली चीज़ें सारे जो होते हैं, कोई भी मशरूबात मुख्तलिफ फ्रूट्स के होते हैं, या कोई भी जो लेमन वगैरह इसके होते हैं। सो दैट्स ऑल कॉल्ड मिक्स ड्रिंक। अगर इसको मिलाया जाए आपस में दो तीन चार फ्रूटों को, सो मिक्स ड्रिंक। ओके, थैंक्स गाइस फॉर दिस वाज फॉर टुडे लेसन। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। सी यू सून। ओके बाय।